इतिहास का कोई किनारा नहीं होता। एक शुरुआत ढूंढो तो उसके पीछे एक और शुरुआत मिल जाती है। हर शुरुआत के पीछे कई शुरुआत होती हैं। ये ऐसे ही है जैसे कोई क्षितिज को यानी होराइजन को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो, जो कभी हाथ नहीं आता, वो आगे ही आगे चलता रहता है। फुटाला लेक के किनारे बैठकर हम अगर नागपुर का इतिहास छूने की कोशिश करें तो चलिए देखें कहां तक पहुंचते हैं। पहली बार नागपुर का नाम लिखा हुआ या दर्ज किया हुआ मिलता है 940 ईस्वी में, यानी 940 AD, एक कॉपर प्लेट पर देहुड़ी गांव में, जो आज के वर्धा जिला में है। लेकिन नागपुरी नाम आया कहां से? इतिहास इसके दो सबूत बताता है। एक तो ये कि ये कस्बा या शहर जो भी था उस वक्त नाग नदी के किनारे बसा हुआ था, उसी से इसका नाम नागपुर पड़ गया। दूसरा ये कि नागा नामी कबीले के लोग यहाँ रहते थे, एक ट्राइब थी आदिवासी लोग जो नागा कहलाते थे, उनकी वजह से इसका नाम नागपुर पड़ा। रामायण में जिक्र आता है कि वंध्या और सतपुरा के बीच में घना जंगल था, जो दंडकारण्य के नाम से मशहूर था, और नागपुर उसमें शामिल था, और ये भी विदर्भ का एक अहम कस्बा था। 250 ईस्वी मतलब AD में वाकाटक वंश के राजा विंध्या शक्ति ने विदर्भ में अपना राज स्थापित किया। उनके बाद उनके बेटे के बेटे यानी पोते रुद्रसेन यानी रुद्रसेन सेकंड स्वयं